नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आजकल दिल्ली की राजनीति में काफ़ी उबाल आया हुआ है। दो दो मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि बीजेपी राजनीतिक भावना से, बदले की भावना से सारी कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से उसके दो मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो शिक्षाविद भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं, बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि बीजेपी बदले की भावना की कार्रवाई कर रही है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले? पहले तो मैं, आम आदमी पार्टी बनी कैसे थी, जो आप तो पत्रकार हैं पुराने, आम आदमी पार्टी 2012 में एक ही विषय को लेकर आई थी, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के गुस्से को चैनलाइज करके सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे अन्ना हजारे की आड़ के अंदर, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है लड़ने का महाराष्ट्र, तो उसका प्रयोग किया गया दिल्ली के अंदर बैठ के और सबके खिलाफ आरोप लगाए तथ्यों के साथ, पुलंदे हाथ में लेके, सबसे भ्रष्ट शरद पवार है, सबसे भ्रष्ट कपिल सिब्बल है, सबके खिलाफ। और जब तक एक बैलेंस रखा, क्योंकि हमारे अरुण जेटली स्वर्गीय गोपाल अग्रवाल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल का आना जाना था करप्शन अगेंस्ट के बारे में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी, तो मैं उसका प्रत्यक्ष वो हूँ। और हमने भी यहाँ से उनको बड़ी मदद की, 500 विद्यार्थी यहाँ से भेजे, टी शर्ट पहना के भेजे, खाना दिया मैंने 15 दिनों को, कि भाई देश में एक वाकई करप्शन बढ़ रही है, उसके खिलाफ कोई आयोटा ऑफ डाउट भी हो, किसी को शक भी हो, तो उसको राजनीति के अंदर उसको नहीं रहना चाहिए जब तक वो उससे पाक साफ ना हो। अब वही आम आदमी पार्टी जो करप्शन को मुद्दा बना के शीला दीक्षित के खिलाफ कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, बिजली निजीकरण घोटाले, सारे घोटालों का नाम लेके सत्ता में आई, तो आज इतना क्यों बदल रहे हैं कि बात हो रही है करप्शन की शराब पर? कहीं विषयों में कपड़ों पर सुना था, एक कमीज ले तो दूसरा फ्री मिल रहा है, एक साल इन्होंने एक बोतल के ऊपर दूसरी बोतल दी, कैसे संभव है क्या? एक एक दिन में लोगों की शराब पीने की आदत कितनी डाल दी कि 80-80 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली वाले एक दिन में पिए, क्यों? उम्र घटा दो, 21 से 18 कर दो, छुट्टियाँ घटा के कुल 3 रख दो नेशनल हॉलीडे। अरे गांधी जी के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर गांधी जी ने क्या कहा था? मैं एक दिन का भी डिक्टेटर कहें लोग मुझे, मैं सत्ता मेरे पास आएगी तो मेरे पहला काम करूंगा देश में शराबबंदी, और दूसरा काम गौ हत्या पर प्रतिबंध। आज उनका नाम लेके सभी लोग पार्टियां आती हैं चुनाव, और अरविंद केजरीवाल तो बड़े गांधीवादी बन के अभी भी जाके बेशर्म होकर राजघाट पर बैठे परसों। लेकिन लेकिन उनके साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, सब विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, वही सारे विपक्षी नेता जिनको अरविंद केजरीवाल भी सर्टिफिकेट देता था भ्रष्ट की, वो सारे हैं, सब सजा याफ्ता है या जमानत पर है, नॉक के नॉक, कांग्रेस वालों ने साइन नहीं किया है। आज कविता जो हैं वो होटल में उपस्थित हैं, फोटो हैं, होटलों में आना जाना है, और सबने जो जितना सरकारी लोग थे चुपचाप सब एडमिट करिया है कि इतने फ़ोन खरीदे, इतने सिम तोड़े, ये किया वो किया, 100 करोड़ रुपए की ट्रेल है। आखिर कोई ये बताए ना, चुनाव कोई भी लड़ता है, दिल्ली में कॉरपोरेशन चुनाव लड़ते हैं तो लोग 1-1 करोड़ रुपये खर्च करते हैं ना, आप पत्रकार हैं, हम भी जब चुनाव लड़े थे 83 में तो कॉरपोरेशन में 30,000 रुपये लगते थे, अगर यदि आज 1 करोड़ लगता है तो पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ चुनाव हुए 400 सीटें लड़ना, अगर एवरेज आप 20-20 लाख रुपए भी देंगे, पंजाब में मुझे भी एक MLA मिले, उनका ना हाँ जी 100 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ था, पैसा कहाँ से आ रहा, पहले तो चंदे इकट्ठा करते थे ना। लेकिन इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए, प्रूफ ना सारी चीज़ हो गई ना प्रूफ, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हुए थे श्रीमान, उन्हें मालूम है प्रूफ नहीं रखने यार, कैश तो बिल्कुल नहीं रखने, तो पैसा आना था मालूम आंध्र प्रदेश से, और पैसा जाना था गोवा, गुजरात, पंजाब या जहाँ भी चुनाव, सीधा सीधा हवाला की सब ट्रेल बन गई, दुबई से कैसे आ रहा है, सब सारी ट्रेल है ना, तो फिर आखिर जमानत क्यों नहीं हो रही सत्येंद्र जैन की?
कोर्ट तो मोदी जी के कब्जे में नहीं है ना कोई अभी तक, तो कोर्ट तो सब अपनी दादागिरी चला रहे हैं। अगर मैं शब्द प्रयोग करूँ तो कोर्ट तो हर चीज़ के ऊपर जांच करते हैं, साल डेढ़ साल बाद कहते हैं ठीक पाया। हर सरकार की पॉलिसी के ऊपर कोर्टों ने ब्रेक लगाए। आपकी इसी बात पे मेरे को एक सवाल ध्यान आया, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि उनको मनीष सिसोदिया पर और सत्येंद्र जैन पर गर्व है, तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पोस्ट पे मुख्यमंत्री बैठे हैं और वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सीबीआई पर या अदालत पर, क्योंकि उनकी जमानत नहीं हो रही, तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? उस आदमी को उचित बात कोई हो तो मुझे आप ही बता दो। वो क्या कहता है, पहले एक साल पहले से कह रहा था ना गिरफ्तार होंगे मनीष सिसोदिया। अब जेल मंत्री खुद मनीष सिसोदिया, इससे पहले सत्येंद्र जैन, मंत्री रहते हुए जेल में रहे दोनों, इनको मारेगा कौन? अगर जेल में कोई मारेगा तो जिम्मेवारी किसकी है? जेल मंत्री की है ना बेसिकली। मुख्यमंत्री तो किसी चीज़ पर साइन ही नहीं करेंगे, तो मारेगा कौन? किसका इंटरेस्ट है कि मोदी जी को क्या मिलेगा? सारे मोदी जी के पास उनकी एजेंसियां, ईडी ने भी कल गिरफ्तार कर लिया, कल कविता गिरफ्तार होगी तो वो कहेगी मेरे सत्ता में मेरे बाप को हटाने के लिए। अब सत्ता की बात करते हो कविता जी, आप लोकसभा चुनाव 2019 का क्यों हार के आई? पहले दो बार जीती हुई थी। आपको लगता है कि पूरे खेल के पीछे अरविंद केजरीवाल हैं और उनके ऊपर भी आंच आ सकती है ईडी? केजरीवाल एक डिक्टेटर है और उसकी बिना मर्जी एक पत्ता नहीं हिल सकता कहीं किसी पार्टी के अंदर। क्या क्या बोला इसने भूषण के बारे में? वो शब्द बोले थे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की, इनके पीछे से ये कर दो और वो कर दो, गालियाँ देकर जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपये चंदा दिया। एक्सेप्ट केजरीवाल कोई एक आदमी है पुराना कुमार विश्वास से लेकर कोई भी आदमी जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, किरण बेदी, अन्ना, एक आदमी इसका चमचे रख रखे कोई, और मनीष सिसोदिया इसका राजदार है। हर चीज़ में सारा पैसे का लेन देन उसके थ्रू होता है। मनीष सिसोदिया का साडू पूरे शिक्षा विभाग में सबको पता है, सारी उगाही कौन करता है इसका साडू है। जो इसका रिटर्निंग ऑफिसर भी रखा, आपने डेमोक्रेसी में देखा कभी मैं चुनाव लड़ूँ और मेरा साला या साडू मेरा आरओ बनेगा? सारे नियम कायदे कानून तोड़ कर काम करने वाला व्यक्ति और जाके लंबे चौड़े भाषण देना, हर स्टेट में जाके चुनाव लड़ने जाना, फिर जब दिल्ली का चुनाव जीता था 2020 में क्या कहा था, अब मैं दिल्ली के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। 6 महीने चुप रहा, उसके बाद फिर जो जो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करके आता है वो हारने के बाद फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। शिक्षा के ऊपर बात फिर करूंगा मैं पूरे तथ्य के साथ, कि आदर्श शिक्षा व्यवस्था किसे कहते हैं वो बताऊंगा। तो आज हम केवल बात कर रहे हैं ईडी, ईडी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट में भी सब लोग गए, सीबीआई के ऊपर अब वो तोते में बंद नहीं है, सीबीआई की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की भी विपक्ष का नेता और सीजीआई करते हैं। और फिर गलत होगा तो मैं आज भी चंद्रचूड़ के बारे में तो कोई ये नहीं कह सकता चीफ जस्टिस के बारे में कि वो किसी के हाथ किसी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीफ जस्टिस रहा है उसने अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लड़े। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी या होनी चाहिए? होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, होगी भी, कब होगी ये समय बताएगा जितने तथ्य इकट्ठे होते जाएंगे। अब कल उनका पीए से पूछ लिया, सी अरविंद कुमार जी आगे स्टेटमेंट दे आए, सब सच तो बोलना पड़ेगा ना। अगर मेरा पीए कल आप हैं और आपसे मैं सारे काम कराता रहा हूँ तो मेरे दबाव में आप कितने दिन रहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि एक आयकर अधिकारी रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाकर ये सारा घोटाला एक तरीके से किया है, लेकिन देर सवेर उनके ऊपर भी जाँच की आँच आ सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।